बीजेपी के आला नेता अलवर में होने वाले उपचुनाव के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी को तय करने के लिए मीटिंग और संगठन के लोगों से राय मशवरा करना भी शुरू कर दिया गया है। वहीं पर अलवर जिले के नया नाम संदीप यादव का नाम भी काफी चर्चाओं में है। संदीप यादव फिलहाल यूथ बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और इससे पहले संगठन में मजबूती से काम कर रहे थे। अलवर लोकसभा से जब उनकी उम्मीदवारी पर उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि पार्टी आलाकमान जो भी तय करेगा उनके सिर माथे पर होगा। वहीं पर संगठन के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि फिलहाल कांग्रेस के बड़े नेता उपचुनाव में लड़ने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है और वो चुनाव की दृष्टि में रखते हुए नहीं, सतत कार्यक्रम पार्टी के चलते रहते हैं। क्योंकि तीन जगह का चुनाव हमें दिख रहा है, चुनाव आ रहा है, निश्चित रूप से हमारी तैयारी पूरी है। रहा कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस तो हमेशा यही कहती है और कांग्रेस इस टाइम डूबता हुआ जहाज है, उसमें कोई भी सवारी नहीं करना चाह रहा है। पार्टी नेतृत्व जो जिम्मेदारी देता है या मुझे कोई काम के लिए बताएगा तो मैं पूरी तरीके से, पूरे जिले के युवा मेरे साथ हैं, मैंने युवा मोर्चा में काम किया, लगातार पार्टी में काम किया है और पूरे जिले भर में सब लोग साथ हैं। जैसा भी डिसीजन होगा हम सब लोग मिलकर काम करेंगे।